ये मम्मी किचन में काम क्यों कर रही हैं? वो मैं जस्ट ऑफिस की मेल चेक करने आई थी। आप एक काम करो, ये जॉब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपके जॉब के चक्कर में ना मेरी मम्मी किचन में काम नहीं करेगी। अच्छा सॉरी। देख जब तक तुम इस घर में हो ना मेरी मम्मी इस घर में कोई भी काम नहीं करेगी। अब मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट भी नहीं ले सकती? नहीं ले सकती, क्योंकि शादी से पहले तो आप बहुत बातें कर रहे थे कि एक बार मुझसे शादी कर लो, फिर मैं आपको बहुत प्यार करूंगी, आपकी मम्मी को कोई काम ही नहीं करने दूंगी, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेने दूंगी। देख मेरी मम्मी ने ना सारी उम्र बहुत काम किया है और अब मैं नहीं चाहता कि वो सारी उम्र यही काम करती रहे। मैं समझती हूँ कि आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो और उनकी उम्र भी हो गई अब रेस्ट करने की, लेकिन जितना प्यार मैं अपनी मम्मी से करती हूँ उतना ही प्यार मैं तुम्हारी मम्मी से करती हूँ। तुम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो लड़की 25 साल में अपने माँ बाप की सगी नहीं हो सकी, उनको धोखा देके मुझसे शादी कर ली, मेरी माँ की क्या सगी होगी? मंजीत प्लीज ये जॉब अब छोड़ दो। तुके हाँ हस मैं हस दे रे, तुके हाँ नच मैं नच दे रे, तुके हाँ हस मैं हस दे रे, तुके हाँ नच मैं नच दे रे। तू कहे मैं तैनू रोंदी चंगे लगे दे, तेरे सामने सुपने ओ पूरे कर करके, खब मेरे आंधी खाली तरकश हो गई। सारी उम्र में जो कर्जी बन दी रही, तेरे पीछे जिंदगी सरकस हो गई। सारी उम्र कुछ करके देख लिया उस घर में एडजस्ट होने के लिए।
मैं उसकी मम्मी को किचन में भी नहीं घुसने देती, सारा काम खुद से करती हूँ बिना बताए, फिर भी उन लोगों को मेरी कदर नहीं है। मैं तो पहले ही कहता था कि शादी वहाँ पे मत करवाओ, नौकरानी बना के रखेंगे इसको, पर मेरी घर में सुनता कौन है। कोई बात नहीं बेटा, पहले 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 थोड़ा होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, एडजस्ट करना पड़ता है बेटा थोड़ा, कोई बात नहीं। मैं सारा कुछ एडजस्ट कर लेती, लेकिन इस बार जो किया ना उन्होंने, मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। क्या किया उसने? कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसा कर, हम अकेले में बात करेंगे, तेरा भैया है ना बहुत गुस्से वाला है, वो गुस्सा करेंगे, हम अकेले में बात करेंगे ना बेटा। मैं इस बार भाई के सामने बात करूंगी। क्या बात हुई बता। मैं जस्ट नॉर्मली उसको फोन चेक कर रही थी, मैंने उसको शक की निगाह से देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे इतना खींच के थप्पड़ मारा, इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि बस बस बहुत हो गया है। मम्मी थप्पड़ वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा हो गई है। भाई को रियलाइज करवाना बहुत जरूरी था। थैंक यू। हे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट बताना है, अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिव्यूज़ देने हैं, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक छोटी सी सजेशन है मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए कि अगर आपके कभी भी कोई गिले शिकवे होते हैं तो उनको छोड़कर आगे बढ़ना, अगर उनको साथ में लेके आगे बढ़ोगे तो बहुत इश्यूज़ रहने वाले। सो गिले शिकवे छोड़ो और अच्छे से आगे बढ़ो। लव यू गाइज़।